सेक्सलेस मैरिज के बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। सेक्सलेस मैरिज क्या होता है, अभी उसके अलग 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 उसके प्रेजेंटेशन है। मैं ज़्यादा तो उसके बारे में अलग अलग, क्योंकि इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मैं एक दो बता दूंगा आपको कि भाई होता क्या है सेक्सलेस मैरिज। क्या होता है कि एक तो पुरुष या स्त्री, इसमें से मतलब दोनों को मालूम है कि भाई दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सेक्स, उनको कुछ होने, मतलब समझो स्त्री है, महिला है, तो उसका गर्भाशय का ऑपरेशन हो चुका है, हिस्टेक्टोमी का, उसको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसकी उम्र ऑलरेडी 45-50 की है, और उसका पति मर गया है, कुछ भी मतलब डेथ हो गया, जो भी कुछ हुआ। और फिर दूसरा एक पुरुष भी है कि उसकी पत्नी गुजर गई है, उसको उतना ज़्यादा सेक्स में ये नहीं है, ऑलरेडी इज डायबिटिक, बच्चे बड़े हो गए, मगर कुछ ना कुछ चाहिए, तो उनको मालूम है कि भाई हम अभी दोनों साथ में रहने वाले हैं, मैरिज सेक्स लेस मैरिज हम करेंगे, मतलब शादी करेंगे, साथ में रहेंगे और कोई सेक्स नहीं है उसमें, मगर एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली चीज़ है, तो एक ये होता है। दूसरा है कि कुछ लोग अज्ञान से करते हैं कि नहीं हमको शादी तो कर लिया मगर सेक्स नहीं करना है, सेक्स भी नहीं करना है तो बच्चे नहीं चाहिए, टोटली अज्ञान, मतलब सेक्स करेंगे तो बच्चा होगा और बच्चा नहीं चाहिए इसलिए सेक्स नहीं करना, तो ये भी होता है। तीसरा चाइल्ड मैरिज है, मतलब बचपन में शादी हो चुकी है मगर अभी वो उम्र में आने के है और इसलिए वो साथ में रहते नहीं, और सेक्स का तो सवाल आता ही नहीं है, 12-13 साल की लड़की है, 13-14 साल का लड़का है अभी, मतलब सेक्स का डेवलपमेंट भी उनका हुआ नहीं है और उनकी शादी कर दी जाती है, और वो दैट इज़ अ सेक्सलेस मैरिज। चौथा होता है कि शादी हो जाती है मगर वो साथ में कभी आए नहीं, आए नहीं इन द सेंस कि शादी हो गई, साथ में आए मगर सेक्स नहीं किया, फिर वो उसको कुछ तो भी प्रॉब्लम है, इरेक्शन का प्रॉब्लम है, लड़का छुपाता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे है ना वो तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत कमर दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ तो भी बहाने बना रहा हो, हो सकता है कि वो उसको इरेक्शन नहीं आ रहा है, हो सकता है कि वो होमोसेक्सुअल है, मतलब कुछ तो भी प्रॉब्लम है, सम प्रॉब्लम और देयर इज देयर, और वो कुछ बहाने बना के सेक्स करता नहीं है। अब इसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक मैरिज है। इसमें क्या होता है कि लड़की थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, घर की बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको मालूम है कि ये तोड़ के तो मैं घर पे वापस नहीं जा सकती, जो है वो सहन कर लो, घर जाके भी क्या फ़ायदा, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, माँ बाप मर गए हैं उधर, भाई है और वो कैसा पालन पोषण अपना करेंगे, तो अभी चलो शादी हो चुकी है तो अभी चलो निभाओ कुछ ना कुछ करो। तो अभी मेरे पास में एक है कि उनका शादी 4 साल से हुई है और अभी सेक्स ही नहीं किया, फिर अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है लड़की, फिर वो अपने बुआ को बोलती है, फिर बुआ ने और किसी के साथ में बातचीत किया, एक लेडी के साथ में, वो लेडी ने मेरे वीडियो देखे हुए थे तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई ऐसी ऐसी लड़की बोल रही है कि क्या करना है, तो मतलब फिर लेके आ जाओ। फिर दोनों आए, हस्बैंड वाइफ को लाया, उसको पूछा कि भाई क्या 4 साल हो गए शादी होने के बाद में सेक्स क्यों नहीं कर रहा है, तो नहीं नहीं बोले, वो कहा कि बहुत थक जाता हूँ, फिर मेरा बहुत बिजी रहता हूँ, फिर अभी तो हमको पहले साल में हमने ठहरा था कि बच्चा ही नहीं होना, फिर मैंने उसको बताया वाइफ को कि बच्चा नहीं होना, फिर सेक्स क्यों करने का है, फिर हमको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी तो प्राइवेसी नहीं मिली, फिर ऐसे कुछ तो भी बहाने बना रहा था वो, और लड़की चुपचाप सहन कर रही थी। अभी वो 4 साल हो गए, जब वो फ्रस्ट्रेट हो गई अभी, तो उसने फिर अभी जवाब देना चालू कर दिया कि अभी ये चलता नहीं और अभी कुछ तो भी करो, और अभी वो आए, अब आए तो फिर वो बोलता है कि नहीं अभी मेरे को जितना चाहिए उतना इरेक्शन ही नहीं होता है, फिर उसके लिए दवाई इलाज, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो कर लूँगा, मैं सब, मतलब वो तैयार ही नहीं इलाज करने के लिए, अभी ऐसे समय करना क्या, मतलब भाई वो तैयार नहीं है खुद, तो आपको एक तो चलना, मतलब चलाओ निभाओ, और नहीं तो फिर सेपरेट हो जाओ, डिवोर्स ले लो, क्या करेंगे, वो बताने को तैयार नहीं है, मतलब कबूल करने को तैयार नहीं है कि भाई मुझे नहीं करना, बोलता हाँ ये जो चल रहा है वो आई एम हैप्पी, मतलब सेक्स नहीं हुआ तो वो हैप्पी है, वो कमाता अच्छा है, उसकी कोल्ड ड्रिंक्स और आइस कैंडी की गाड़ी है, उसके ऊपर जाता है, वो खुद की गाड़ी है, वो कमाता है, घर में पैसे देता है, चलता है घर, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सेक्स के बारे में बोलता वो मत बोलो, मेरे को कमर दर्द कर रहा है, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी कुछ हो गया, कभी बोलता कुछ है, फिर अभी बोलता कि अभी तो सीज़न जरा स्लैग है, तो स्लैग सीजन में जरा मूड नहीं रहता, पैसे कमाई कम हो रही है तभी मूड नहीं है सेक्स करने, ऐसा कुछ तो बोलते जाएंगे, अल्टीमेटली वॉज एक्सपोज्ड कि भाई अल्टीमेटली उसको इरेक्शन का प्रॉब्लम है। तो ऐसे इसमें लड़की ने सेपरेट होना या फिर डिवोर्स ले लेना फाइनल, वो ये अच्छा है, क्योंकि यदि उसको चॉइस है लड़की को कि नहीं अभी यहाँ से छोड़ के मैं और शादी कर सकती हूँ, और अभी संभव है, अभी संभव इसलिए कि अभी लड़कियों का नंबर कम है,
लड़कियों का नंबर कम है तो लड़के अभी सेकंड मैरिज वाली भी लड़की को तैयार है करने के लिए, क्योंकि लड़की ही नहीं है। मेरे पास में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं बोलते कि भाई आप जो कास्ट बोलेंगे वो कास्ट हम तैयार है, जैसे बोलेंगे गरीब तो गरीब तैयार है, हमारे समाज में लड़कियां ही नहीं मिल रही है। क्योंकि लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लड़कियां आजकल बहुत पढ़ लेती है, समाज की लड़कियां कम पढ़ाई वाले लड़के से शादी नहीं करती। अब लड़का बोलता मुझे जो भी मिली चली थी, जैसे भी चली, तो मतलब मंद बुद्धि की रही तभी जल्दी है, घर में आए तो मतलब कैसा तभी करके भाई चलो अभी शादी करना है, लोग क्या कहेंगे, इसलिए शादी करो और लाओ कोई ना कोई औरत। तो ऐसे इसमें फिर चल जाता है लोगों का। तो इसलिए लड़की को मैंने बोला कि भाई आप डिवोर्स ले लो, आपको चॉइस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि नहीं भाई मेरे को डिवोर्स लेना है, क्योंकि लड़का तैयार ही नहीं है सेक्स करने के लिए। वो कबूल करता ही नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बोलता नहीं नहीं वो तो हो जाएगा आराम से हो जाएगा, मतलब ये टॉपिक निकालने देता ही नहीं और वो प्रॉब्लम कर लेता है। उसको पूछा कि भाई होमोसेक्सुअलिटी है, बोलता नहीं नहीं होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल ही नहीं है। तो ये सेक्सलेस मैरिज ऐसे अनेक अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ मैरिज ऐसे हैं कि लड़का मतलब पुरुष है वो होमोसेक्सुअल है, उसने क्या किया, उसने बड़ी मेहनत से लड़की एक चूज किया कि जो होमोसेक्सुअल है वो लेस्बियन है। तो लड़की का एक लड़की के साथ में ऑलरेडी चल रहा है, ये लड़के का एक लड़के के साथ में चल रहा है। अब इसने उसको बराबर ढूंढ के निकाला, अभी सोशल मीडिया में तो कुछ भी पॉसिबल है संपर्क करना कैसा भी, और अभी दोनों ने शादी किया। शादी इसलिए किया कि समाज के लिए कि नहीं चलो इनकी शादी हो चुकी है, दोनों के घर का प्रेशर शादी करना है, चलो शादी हो गई। अभी ये दोनों भी सेक्स नहीं कर रहे, दोनों अपने अपने हिसाब से अपने, ये गे है वो लेस्बियन है वो सेक्स कर रहे, दोनों का इधर सेक्स नहीं हो रहा है। बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं आता, बच्चों के लिए फिर देखेंगे बोले अभी क्या करना है। तो घर वाले जब पीछे लग जाएंगे कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तो फिर देखेंगे। अभी तो बस शादी करके घर में रह रहे हैं, बाकी एक दूसरे को हाथ भी लगाते नहीं। तो इस तरह के सेक्सलेस मैरिज होते रहते हैं। आजकल क्या है कि सभी प्रॉब्लम जो है उसका इलाज है, मतलब इरेक्शन का प्रॉब्लम है उसका इलाज है। होमोसेक्सुअलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है और घबराहट हो रही है, और वो नहीं चाहिए तो उसका भी काउंसिलिंग करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। प्रीमैच इजैकुलेशन का इलाज कर सकते हैं, तो इलाज करना जरूरी है ताकि आपका जीवन जो है वो खुशी से आप बिता सकेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।